महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने दक्षिण पश्चिम नागपुर में रैली निकाली। करीब 5 घंटे तक देवेंद्र फडणवीस ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। इस रैली के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया टीवी से खास बात की। देवेंद्र फडणवीस के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने निर्वाचन क्षेत्र में छठी बार लोगों से मतदान मांगने के लिए निकले। देवेंद्र जी काफी ज्यादा प्रतिसाद दिख रहा है, क्या लग रहा है? मुझे लगता है लोगों का प्यार बहुत उमड़ पड़ रहा है। ये मेरा परिवार है, ये केवल मतदार क्षेत्र नहीं है। मैं कारपोरेशन से लेकर तो पिछले 25 साल 10 साल कारपोरेशन में और 25 साल विधानसभा में मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और लोगों का प्यार मेरे साथ है। एक बहुत ही ज़बरदस्त इस प्रकार की जीत यह होगी। मैंने लोगों से बातचीत की, सबका कहना है खुद वो देवेंद्र फडणवीस अपने को महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर केवल विकास का कार्य किया ऐसा नहीं है, तो जनता के साथ एक मेरा इमोशनल रिश्ता भी है और उसके कारण मेरी गलती भी होती है तो मुझे वो माफ़ करते हैं। मैं समय भी कभी कम देता हूँ तो कोई मुझे ये नहीं कहता कि आप समय क्यों कम देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिसको हमने चुनकर दिया है वो महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है। महायुति का लक्ष्य आपने कितना रखा है? थैंक यू देवेंद्र जी, कितना लक्ष्य रखा है महायुति? देखिए, हम पूर्ण बहुमत से ये चुनाव जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से। मुख्यमंत्री का क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री महायुति का, मुख्यमंत्री महायुति के नेता तय करेंगे उसका। बार बार संघ और बीजेपी पे आरोप राहुल गांधी लगाते हैं कि आप लोग उनका संघ का एजेंडा चलाते हैं, क्या लग रहा है आपको? संघ का एजेंडा है प्रथम देश। अगर देश प्रथम का एजेंडा चलाना गलत है तो हम चलाएंगे, बार बार चलाएंगे, जिंदगी भर चलाएंगे। कल आपके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी बिगुल बजाने के लिए, क्या लग रहा है आपको? न बिगुल बजेगा, न बात बनेगी, झूठा नैरेटिव अब नहीं चलेगा। झूठा नैरेटिव अब नहीं चलेगा, ऐसा कहना है देवेंद्र फडणवीस का और उनका साफ तौर पे कहना है इस बार वो लीड से जीतेंगे, अब तक का सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। देवेंद्र जी क्या लग रहा है, सारा रिकॉर्ड टूटेगा आपका जो लीड का था? ये तो जनता के हाथ में है, जनता ने हमेशा पिछले बार से ज़्यादा वोट दिए हैं, तो इस बार जनता ही अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। जनता अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी ऐसा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है और देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी जो गलत नैरेटिव सेट करते हैं वो अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।